देखो पूरा इंडिया दिखा दिया, 100 रुपए में, मात्र 100 रुपए में पूरा पूरा इंडिया भारत आप दर्शन करो, पत्नी खुश, बच्चे खुश, सब खुश। ताजमहल व्हाइट से ब्राउन हो चुका है मुमताज की याद में, और अब हम आ गए हैं चंद कदमों की दूरी में महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाएं। जितनी भी वेस्टेज है ना दिल्ली की, मुझे ऐसा लग रहा है सारी यहाँ पे यूज कर ले उन्हें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वन नाइन गोविंद, और आज हम आए हैं भारत दर्शन पार्क जो दिल्ली में न्यूली ओपन हुआ है, और ये सिचुएटेड है पंजाबी पार्क में, और आज है संडे तो इसकी फीस है 150, और अगर आप आते हैं अनदर डेज तो आपको मिलेगी सिर्फ 100 रुपीज की टिकट। तो चले दर्शन करें हमारे साथ भारत दर्शन पार्क के। तो गाइस वंदना लगी है लाइन पे, देख सकते हो आप। सो ये है टिकट काउंटर यहाँ का, यहाँ से टिकट ले रही है, ठीक है। तो आज हम भारत दर्शन पार्क में दर्शन करेंगे इन स्थलों के जो भारत के बहुत ही फेमस है, जो भी हिस्टोरिकल चीजें हैं इंडिया की बेस्ट वो सब आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं, और ये दिल्ली में पंजाबी बाग में है भारत दर्शन पार्क। सो गाइज हम आ चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया, ये देख लीजिए। सो एज इट इज सेम लगता है, बट जो रियल है वो तो रियल है, बट काफी अच्छा बनाया हुआ है, काफी रियलिस्टिक लग रहा है सेम एज इट इज। और इसके बारे में अगर आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ना चाहें तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, साथ में ही आपको एक ओरिजिनल फोटो लगाई रखी है जिसपे गेटवे ऑफ इंडिया का डिटेल दिया हुआ है। सो गाइज साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं एक और आपको बोर्ड मिलेगा जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस मटेरियल से बना हुआ है, क्या क्या चीजें इसमें यूज हुई है, क्या इसकी हाइट है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइज ये देखिए बरगद का पेड़ जो कि बनाया हुआ है टूटे हुए सिलेंडरों से, और एज इट इज सेम बनाया हुआ है, बट सिर्फ फर्क ये है कि ये ग्रीन नहीं है, ये पूरा का पूरा ब्राउन है। और अगर आप रियल जाके देखेंगे तो रियल आपको दिखेगा ऐसा, बनियन ट्री इसको हम कहते हैं, बरगद का जो पेड़ होता है। सो गाइज इस ट्री को देखने के लिए लोग गुजरात, उड़ीसा, कोलकाता ऐसी जगह लोग जाते हैं। सो ये यहाँ पे आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा, बट रियल तो रियल होता है, बट काफ़ी अच्छी और काफ़ी अच्छी सीनरी है, काफ़ी मेहनत की हुई है, हाँ काफ़ी, मतलब जो थॉट है थॉट प्रोसेस काफ़ी अच्छा है, देख रहे हो जो वेस्टेज है सारा वेस्टेज का चीज इसमें लगाया हुआ है। तो ये हमेशा मैं इसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ आके कैसा लगा, तो आज मैं इनसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ आके। अभी एंट्री हुई है तो अच्छा लग रहा है, अभी देखते हैं अंदर क्या क्या है, बट जो रियल चीज़ें होती है वो रियल, जब घूमने का जो मज़ा है ना वो रियल घूमने का अलग ही मज़ा होगा। पर अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा? हाँ देखो जो चीज़ अब हम इतनी सारी जगह 21 जगह पूरे मतलब इंडिया की बात करें तो लगभग 21 जगहों का 21 स्टेट्स का इन्होंने जो दर्शन है हमें एक जगह पे करा दिया जस्ट इन रुपीज 150 और 150 जो प्राइस है बेसिकली वो सैटरडे और संडे को है, बट अगर आप नॉर्मल डेज में आते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये देने की जरूरत है, तो 100 रुपये में पूरा भारत आप घूम सकते हैं, इसीलिए इसका नाम भारत दर्शन पार्क लिखा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा व्यू इसका है, आप लोग देखो आओ, बेसिकली अगर आप खुद आओगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। कि हमने सोचा ये हमारे घर के काफ़ी पास है पंजाबी बाग में है, तो वी थॉट कि हमें आप सभी को, आप हमारी YouTube फैमिली है तो आप सभी को हमें दिखाना चाहिए, तो इस वजह से हम आज यहाँ पे आए हैं। सो गाइस अब दर्शन कर लीजिए हवा महल के, ये है हवा महल, हवा महल में हवा आएगी, ये देखो हवा, हवा महल ओरिजिनल हवा महल ऐसा दिखता है, ठीक है। और यहाँ का ये हवा महल ही रहा, आप बेसिकली देखो जितनी भी वेस्टेज चीज़ें हैं ना, नट बोल्ट, साइकिल के पार्ट, एंगल और आयरन के जो रॉड्स हैं, शॉकर स्प्रिंग्स हैं, इंजन के पार्ट्स हैं, ये चीज़ें यूज़ करके इन्होंने काफ़ी अच्छा एक मतलब क्या बोलूँ, मतलब बहुत मस्त बना रखा है, बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस ये है हमारे पीछे गोल गुंबद जो कि देश का सबसे बड़ा गुंबद है, बड़े गुंबद में यानी सबसे बड़ा गुंबद है ये लिखा हुआ है, देख के आते हैं। अब इसने मुझे चैलेंज कर दिया तो अब देखेंगे इसमें एक्चुअल है क्या। अब सुबह ये देखो देश का सबसे बड़ा गुंबद, भारत के सबसे बड़े गुंबदों में से एक है, लेकिन ये लिखा हुआ साफ साफ देश का सबसे बड़ा गुंबद, एक्चुअल में सही हूँ मैं भी ठीक हूँ, भारत के सबसे बड़े गुंबदों में से एक है बोला, सबसे बड़े गुंबदों में एक तो है ही लेकिन सबसे बड़ा यही है, नहीं है लिखा हुआ सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा गुंबद, कहाँ पर है ये देखो बताओ कहाँ पे है,
उतरा नीचे कर्नाटका, कर्नाटक में है। सो गाइस आप सब कमेंट करके बताओ ये सबसे बड़ा देश का गुंबद है कि नहीं है। और ये कह रही है नहीं है यार, तभी तो बनवाया। चलो देखो, सो सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लग रही है गाइस, इसमें जितनी भी वेस्टेज आइटम्स है ना उन्हीं का यूज किया हुआ। देखो साइकिल के जो पैर पे हम चलाते हैं पैडल्स होते हैं, वो पैडल लगे हुए हैं। जूम करके दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखो ये जो पैडल्स हैं ये पैडल का यूज किया हुआ है, जो साइकिलों पे लगते हैं पैडल। और जो इंजन के पिस्टन वगैरह हैं ये पिस्टन लगाए हुए ऊपर। काफी कमाल की जो थॉट प्रोसेस है ना वो दिया हुआ है। तो अब हम पहुंच गए हैं कुतुब मीनार, बहुत ही चंद कदमों की दूरी पे है कुतुब मीनार, सबसे सीधा दिल्ली की ओर ये देखो जाते हुए। ये कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार के बगल में आप आराम से बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में स्थित है, और ये रहा इसका ओरिजिनल व्यू। और ये है जो यहाँ पे यूज किया हुआ है, गैस कटिंग शीट्स, बिजली के खंभे, कोण एंगल्स जो होते हैं, गियर्स, पाइप्स, आयरन की जो जाली है, तो उन सभी का यूज करके ये बना है कुतुब मीनार। हाँ, सो तो गाइस जो थॉट प्रोसेस है ना वो बहुत बढ़िया है कि जितनी भी वेस्टेज चीज़ें हैं, हाँ, वेस्ट को कैसे यूज़ करें वो इन्होंने दिखाया आज यहाँ पे। सो गाइस अब हम आ गए हैं दिल्ली से सीधा बिहार, और ये है यहाँ का जो नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि ज्ञान का एक भंडार था। और आप देख सकते हैं इसको, काफ़ी अच्छा इसका व्यू है। आपको दिखाता हूँ मैं, बिहार से आ गए हैं तमिलनाडु। यह है मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु का प्रसिद्ध मंदिर, और यह है मदुरई तमिलनाडु इंडिया में। तो गाइस बद्रीनाथ मंदिर पहुंच गए हम। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं, हाँ, पहुंचे द्वारकाधीश टेंपल। तो हमारे पीछे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यू है जो बनाया उन्होंने, और ओरिजिनल आपको मैं दिखाता हूँ फिर से एक बार। ये बना हुआ इसका ओरिजिनल व्यू जो है, और फिर से एक बार जितने भी यूज आइटम्स हैं उन चीज़ से बना हुआ द्वारकाधीश। दोस्तों ये है रामेश्वरम मंदिर जो है तमिलनाडु में, और इसके भी दर्शन कर सकते हैं आप भारत दर्शन पार्क में। बहुत ही सुंदर और प्राचीन साहित्य का दर्शन है। सो गाइस ये है जगन्नाथपुरी, जहाँ लोग जाने के लिए जीवन भर तपस्या करते हैं। चारों धाम की यात्रा में सबसे पवित्र स्थल जगन्नाथपुरी बद्रीनाथ, जो हम देख चुके हैं। मतलब हमने दिल्ली में रह के भारत दर्शन पार्क में सारे तीर्थ स्थलों के दर्शन कर लिए, चारों धाम की यात्रा कर ली बिना कुछ किए ही। तो गाइस ये है महाबत पैलेस, सो गाइस ये आपको वैसे अगर आप घूमने जाओगे रियल में तो जूनागढ़ गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं सांची स्तूप, ये है मध्य प्रदेश में, ये है मध्य प्रदेश में जो मैं पढ़ के बता रही हूँ। तो क्या हो गया, पढ़ के कोई भी बताए। भाई देखो इतनी सारी चीजें हैं जो कि हम लोगों ने देखी नहीं है, सो ऑब्वियस सी बात है अब मुझे याद होने रहेंगी सारी चीजें। बुद्धदेव जी के दर्शन करिए, ये बैठे हैं बरगद के पेड़ के नीचे। सो गाइस ये देखो कितना मस्त है, और अभी मैं दौड़ रहा हूँ। देखो दोस्तों गिम्बल का ये बेनिफिट है, अभी मैं दौड़ के वीडियो बना रहा हूँ पूरा रनिंग करके। फिर भी देखो अगर आपको हिलती हुई दिखे तो वीडियो बताना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वरना तो बोल रहे थे ना खाने के लिए क्या मिलेगा यहाँ पे, चला वो खाने के लिए इसको दिलाओ कुछ खाने के लिए। अब हमारे सामने है एक टी स्टॉल जहाँ पे हमको कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा, है ना।
चलो दिखाते हैं सभी को क्या खिलाओगे पहले। अब आपके पास ऑप्शंस हैं यहाँ पे, कॉफी है, लेज है, बिस्किट है, चॉकलेट है, सब कुछ है। क्या खाना बता? येलो वाला और एक ब्लू वाला। मुझे मिर्च मसाले वाला ज़्यादा पसंद नहीं है, मेरे को अच्छा सॉफ्ट टेस्टी सा ये वाला, या फिर इसके साथ में ग्रीन आता ना वो वाला बढ़िया पसंद लगता है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप ही दे दो। और कोक भी नहीं है? एक कोक दे दो। बॉटल वाली जो होती है, बॉटल वाली दे दो। कैन मत देना, कैन मत देना। हेलो ठीक है, खुश है? अब खाने के लिए कुछ मिल गया तो क्या पूरी दुकान खाएगी? दुकान नहीं खाऊंगी। सो गाइस अब हम यहाँ पे आराम से बैठ के चिप्स खाएंगे और कोक पियेंगे, उसके बाद आगे का सफ़र तय करेंगे। बिकॉज टोटल 21 यहाँ पे स्थल्स हैं जो कि हम देखने वाले हैं। अभी हमने कुछ ही स्थल्स देखे हैं, हाँ थोड़े से रह गए हैं, बट क्या है कि पास पास है ना काफ़ी, सो ज़्यादा दूर नहीं है, तो जल्दी जल्दी पहुँच जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये क्या बोलते हैं डिटेल वाइज नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि देखो मैं अगर डिटेल वाइज दिखाऊंगा तो काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी, बट मैं नहीं चाहता आप लोगों को बोर करना। सो अभी हमने जो आपको दिखाया धीरे धीरे शॉर्ट शॉर्ट दिखाया, आप खुद आके इसको एक्सप्लोर करो, इन्जॉय करो, काफ़ी मज़ा आएगा आप सभी को। ये शक्ल से शरीफ दिखते हैं, बहुत ही गुस्से वाले हैं, चिड़चिड़े बहुत है, बस काट दूंगा मैं ये काट देंगे, इनकी तारीफ ना करे कोई, बस शक्ल से लगता है कि चलाक नहीं है बिल्कुल, अब बहुत ही शरीफ है, बट इतने चिड़चिड़े ना मुझे वीडियो में बोलने ही नहीं देते। तो गाइस हम लोगों ने चिप्स और पेप्सी पी ली है, अब हम आगे का सफर तय कर रहे हैं। हाँ दो चिप्स नहीं खाई, दो चिप्स के पैकेट लिए थे मैंने, वो खाए ठीक है। और अब हम कहाँ पे आ गए? विक्टोरिया पैलेस। तो अब आपको मैं दिखाऊंगा विक्टोरिया पैलेस कैसा दिखता है दिल्ली के अंदर, ठीक है? तो आइए दिखाता हूँ आपको मैं। सो गाइस दिस इज विक्टोरिया पैलेस इन दिल्ली। अच्छा ठीक है, कोलकाता में ये ओरिजिनल जो है विक्टोरिया पैलेस, विक्टोरिया की याद में बनाया हुआ। याद में बनाया था कि पहले से था? मुझे याद में बना हुआ, पता नहीं, पढ़ लो जाके देख लो गाइस ये ऐसे करती है पहले इसको पढ़ गया हूं। चलो अब डाउट मन में आया तो उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। हाँ अब बताओ। याद में है, याद में है। महारानी विक्टोरिया की स्मृति को समर्पित एक शानदार स्मारक है। अच्छा। मतलब उनकी याद में बनाया गया है ये। लॉर्ड कर्जन ने इस स्मारक को रानी विक्टोरिया की याद में बनाया, जो बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड कर्जन, उसने बनाया। अच्छा चलो ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल, मतलब यू आर राइट। तो अब बढ़ते हैं आगे और अगला क्या देखने को मिल रहा है? ओ भाई लेफ्ट में देखे, इधर अभी फोटो क्लिक करूंगा, इधर आ जाओ। कहाँ पहुंचे? हम्पी रथ जो कि है विजयवाड़ा कर्नाटका का एक बहुत ही शानदार जो कि दर्शन अब आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस ये है विजयवाड़ा का हम्पी रथ। सो गाइस अब आप हमारे पीछे देख सकते हैं हम्पी रथ है, काफी अच्छा दर्शन करने के लिए यहाँ पे गाइस। क्या दर्शन करोगे? देखने के लिए काफी अच्छी चीजें हैं, जितनी भी वेस्टेज है ना दिल्ली की, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है सारी की सारी यहाँ पे यूज कर डाली उन्होंने, नट बोल्ट और सारे के सारे जो वेस्ट कबाड़ है ना, बेसिकली कबाड़, अब ये नहीं कचड़े का नहीं बनाया, ये कबाड़ का बनाया है, जो वेस्टेज होता है लोहे का जो कबाड़ है उस चीजों से ये बनाया है। सो काफी मस्त आइडिया जिसने बनाया, बहुत मस्त आइडिया था, बहुत अच्छा इन्होंने बनाया है। सो ऐसे थॉट्स और भी हमें लाने चाहिए, बिकॉज वेस्टेज जितनी कम होगी उतना ही बेटर है हमारे लिए। सो गाइस अब हम जा रहे हैं प्रेमियों के स्थल पे जो कि है ताजमहल आगरा में, और वैसे अभी तक हम आगरा गए नहीं हैं, अगर हम आगरा जाएंगे तो ज़रूर आप सभी को व्लॉग देंगे वहाँ का भी, काफ़ी अच्छे व्लॉग्स देंगे। सो अब हम जा रहे हैं ताजमहल, वहाँ पे मैसूर पैलेस, तो दोनों चीज़ें अब आपको मैं दिखाऊंगा। सो आइए चलते हैं ताजमहल जो कि कबाड़ से बना हुआ है, एक था जो संगमरमर के पत्थरों से बना था और एक है जो कबाड़ के
पत्थरों से बना है, मतलब वेस्टेज ऑफ, हाँ मतलब वेस्टेज ऑफ वंडर, तो उसका कहना है कि वेस्ट को हमने वंडर बना दिया है ना। सो अब आपको दिखाने जा रहे हैं ताजमहल। ताजमहल वाइट से ब्राउन हो चुका है मुमताज की याद में, और मुमताज अभी आए नहीं, शाहजहां इंतजार करते करते थक चुके हैं। सो ये देखो, अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ व्हाइट ताजमहल देखा होगा, आज आपको ब्राउन ताजमहल भी दिखा देते हैं। सो गाइज, यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो काफी अच्छी बनाई हुई हैं, उनके साथ के साथ उनके साथ में बैठने के लिए जो सीटिंग एरिया है वो काफी अच्छा दिया हुआ है। सो आप अगर अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, तो आराम से मस्त करके एंजॉय करके बैठ सकते हैं यहाँ पे, अगर आप एंजॉय करना चाहते हो और आराम आराम से बैठ बैठ के एंजॉय करके रास्ते में। सो आप इजीली कर सकते हो, यहाँ पे सीटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। रील्स बनाने वालों के लिए जल्दी से आ जाओ भाई, यहाँ खूब जमा के रील बनाओ, काफी अच्छा बढ़िया जगह है। हम लोग तो बनाते नहीं है रील्स, सो आप सभी के लिए जो रील्स बनाते हैं वो लोग आप यहाँ के यहाँ पे आके रील्स बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बैठने के लिए काफी अच्छा सेटिंग ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन लोग आधे बैठे हैं आधे खड़े हैं, बिकॉज एवरीवन इज एंजॉयिंग। सो भाई साहब ये क्या है, आओ 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 दर्शन कराएं आपको, दिखाएं इसमें क्या है ये, क्योंकि इतनी सारी जगह तो हम भी नहीं घूमे हुए ना, तो हमें भी पता नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोर्ड लगाया मैं, हमें पता चल सके कि ये है क्या आपसे। अच्छा, मैसूर पैलेस, मैसूर पैलेस है, मैसूर पैलेस है ये। तो गाइस ये है मैसूर पैलेस, कहाँ पे है ये पता है तुझे? कर्नाटका में, मैसूर कर्नाटक में है। अच्छा चलो ठीक है, थोड़ी बहुत स्टडी तो काम आई मतलब तुम्हारी। गाइस अब हम आ चुके हैं हैदराबाद के चार मीनार में, जो कि है दिल्ली में। अभी कैसा लग रहा है हैदराबाद का चार मीनार? हर बार ये कुछ नहीं पूछता, हर बार मेरा ये आंसर होता है अच्छा लग रहा है। अच्छा लगना चाहिए ना। सो गाइस ये है डिटेल्स, आप पढ़ सकते हैं फिर से एक बार, मैं दिखाना चाहूंगा, बहुत देर होगी मैंने बताया नहीं। नट बोल्ट, सीट्स, गियर्स और बैरिंग्स, क्या लोहे की रॉड, इलेक्ट्रिक पाइप रोल्स जो थी हैं, पोल हैं जो, टायर्स, रिम्स, ये सारी चीजें हैं, मतलब वेस्टेज जितनी वेस्टेज है सारी की सारी दिल्ली की वेस्टेज, ऐसा लग रहा है मुझे यहीं लगा दी या बाहर से भी मंगाई है। बताना जरूर दोस्तों कहाँ कहाँ से आया है वेस्टेज, आपके घर के पास से तो नहीं था? घर का सिलेंडर तो नहीं है? आपके घर के सिलेंडर तो नहीं है कहीं? क्योंकि कुतुब मीनार बनाया गया, कुतुब मीनार नहीं बना था, जो सिलेंडर टूटे हुए सिलेंडर थे उससे क्या बनाया था दोस्तों? अगर आपने हमारी वीडियो देखी तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। हाँ, सो जो बरगद का पेड़ था वो बनाया हुआ था, जो काट के मतलब सिलेंडर आधे आधे काट के, छोटे वाले सिलेंडर जो होते हैं उनको काट के बनाया हुआ था बरगद का पेड़, ठीक है। सो इसीलिए कहता हूँ जो भी देखो पूरा देखो आप, बढ़िया से देखो जिससे कि हमारी नॉलेज बढ़े। ये बहुत बोर करते हैं, बोर कर, दोस्तों अगर मैं बोर कर रहा हूँ तो अभी इस वीडियो को यहीं पे रोक दो, नहीं देखेगा कोई, नहीं देखेगा। सॉरी समझ आता हूँ दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, हाथ दर्द हो गया मेरा, क्या बोलते हैं गिम्बल पकड़ पकड़ गया, जैसे पता नहीं कौन आ गया। हाँ, और ये देखो मेरा व्लॉग बनाने का मेन मोटो ये है कि हम अपनी लाइफ को रिकॉर्ड कर पाए, इन फ्यूचर हमारे बच्चे, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, या हम खुद जब बुढ़ापे में हम देखेंगे तो एक जो होता है ना मेमोरीज, वो हमारे पास बुढ़ापे में जब हम जाएंगे तो याद रह सकें। यार जब भी होंगे, कभी ना कभी तो बुढ़ा होना ही है, वक्त तो गुजरता रहता है। अब ये बहुत ही फेमस है, अब कहाँ चुके हम, देखो हमारे सामने क्या है, कोणार्क टेम्पल है ये, उड़ीसा का, उड़ीसा का कोणार्क टेम्पल। अब मैं सही बोल रही हूँ, नहीं बोल रही है, वहाँ जाके पता चला। ओहो कोणार्क वही है, वही है। हाँ, वंस अगेन यू आर राइट, फेमस है ना, एग्जाम में आता है एसएससी में हमेशा। अच्छा, कोणार्क टेम्पल उड़ीसा का, सूर्य मंदिर कहते हैं इसको। अच्छा, सबसे बड़ा मंदिर है वहाँ का, सूर्य को समर्पित है कोणार्क टेम्पल, यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। एसएससी में पूछते कि कोणार्क मंदिर कहाँ पर है और कौन सा तीर्थ स्थल है और इसे सूर्य मंदिर क्यों कहते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब हम आगे हैं चंद कदमों की दूरी में महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाएं, बहुत ही प्राचीन स्थल है ये भी, ये बुद्ध भगवान लेटे हुए हैं यहाँ पे।
नहीं एक्चुअल में है कि इन्होंने बना रखा है साथ में? नहीं नहीं है एक्चुअल वहाँ पे, ऐसा ही है भगवान से रिलेटेड आई है पूरा। अच्छा उनकी पेंटिंग्स है इसके अंदर बहुत सारी। अच्छा वैसे एक्चुअल में जाते हैं तो ओके। और यहाँ पे हाथी बने हुए, देख हाथी कोई बनाया था खुद दोस्तों। अब आपको मैं ये छोटा है इसलिए पास दिखा रहा हूँ, जितनी भी सारी चीजें इसमें लगाई हुई हैं सारी वेस्टेज हैं, रिम्स वगैरह जो भी लगे हुए हैं, रॉड्स जितनी भी लगी हुई हैं, गैस पाइप्स लगे हुए हैं देख, बैरिंग्स वगैरह, ये सारी की सारी वेस्टेज है। और वेस्टेज से बनाया हुआ ये है पूरा का पूरा भारत दर्शन, जो कि आप सभी को देखना जरूर चाहिए और अपने बच्चों को भी लाओ, उनको दिखाओ कि वेस्टेज का कैसे यूज करते हैं। अरे ये क्या चीज़ है, ये भी पूरा वेस्टेज का बनाया हुआ है। ओ भाई अब हम कहाँ गए हैं दोस्तों, दिखने में कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लगता है रियलिटी में वहीं पहुंच गए हैं। ये क्या ताकि जिनके पास पैसे नहीं है वो यहीं दर्शन कर ले। सो आओ अब जानते हैं ये क्या चीज है। ये है खजुराहो मंदिर, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश, जहाँ से देख लें अगर गलत तो नहीं हो, मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर छतरपुर में। तो गाइस कैसा लग रहा आप सभी को ये देख के दिल्ली के अंदर? वो भी सारे तीर्थ स्थलों के दर्शन, सारे तीर्थ स्थलों के दर्शन आज मैंने बोली थी कि हम इंडिया घूमेंगे पूरा, तो पूरा इंडिया के दर्शन, देखो पूरा इंडिया दिखा दिया 100 रुपए में, मात्र 100 रुपए में पूरा पूरा इंडिया भारत आप दर्शन करो, पत्नी खुश बच्चे खुश सब खुश भाई, पूरा भारत लाखों रुपए लग जाते हैं लोगों के पूरे भारत दर्शन करने में, बट आज आप सभी को हमारे चैनल के थ्रू 100 रुपए अगर नहीं खर्च करने तो मेरा चैनल की इस वीडियो को पूरा देख लेना, और अगर 100 रुपए खर्च करने हैं तो आ जाना दिल्ली के पंजाबी बाग में और देख लेना यहाँ पे कि सारा का सारा भारत जो है वो कैसा दिखता है। ये देखो सारे के सारे स्प्रिंग वगैरह जो लोहे के होते हैं वो चीजें लगी हुई है यहाँ पे, लोहे की जो, अरे वो देखना जो लोहे के क्या बोलते हैं सरिये जो होते हैं, इस सरियों का यूज किया हुआ सारा का सारा, ऊपर देखो बैरिंग्स लगा रखी है, मस्त है। वो देख इंजन इंजन इंजन, ये सारे के सारे इंजन है, इंजन है बैरिंग्स है। सो गाइस बंदरा में थोड़ी सी गुस्सा हो गई है, वहां बैठी हुई है देखो। सो मैं उसके लिए आइसक्रीम लेके जा रहा हूँ, जेली वेली वाली काफ़ी पसंद है उसको, तो देखते अब क्या करती है इसका। वरना तेरी फेवरेट जेली वेली देख इधर, तो देख देख तो सही, खा लेना, गुस्सा क्यों रही है इतना, पता ऑडियंस को पता, इधर तो देख। सो गाइस देख रहे हो गाइस कितने गुस्सा हो गया, देखो आप इतनी प्यारी प्यारी टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम छोड़ सकते हो क्या, ये देखो देख रहे हो गुस्सा, देख रहे हो गुस्सा का। सो गाइस क्या लगता है वंदना मानेगी नहीं मानेगी? नहीं मानेगी, मना कर रही है ये, चल क्षमा कर दो जल्दी से खा ले, मान गई, चल फाइनली मान गई, 25 रुपए की आइसक्रीम में आपकी बीवी मान सकती है दोस्तों, देख लो। सो गाइस फाइनली हम घर पे आ चुके हैं, काफी इंजॉय किया हमने, काफी अच्छा दर्शन देखने को मिल गया, पूरा भारत दर्शन कर लिया हमने एक ही जगह पे दिल्ली के अंदर। सो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं, आप लोग भी जाना चाहते हैं, पंजाबी बाग में ये जगह है और नियर बाय अगर मेट्रो स्टेशन की बात करूं तो मोती नगर पड़ जाएगा, पंजाबी बाग पड़ जाएगा, और एक ESI हॉस्पिटल वाला जो मेट्रो स्टेशन है ये सारे नियर बाय पड़ेंगे, यहाँ से आपको 10-10 रुपए के टिकट में ई रिक्शा वाला छोड़ देगा वहां पे। और देखो कैसे देख रहे हैं पापा को, पापा इसकी बात कर रहे थे। सो गाइस काफी अच्छा लगा, काफी मजा आया, और वंदना नाराज भी हुई हमसे, तो उसको मनाने के लिए हमने इसको आइसक्रीम भी खिलाई ठंड में। सो काफी अच्छा रहा, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, जय हिंद जय भारत।